नेम सुलाइड सब कुछ जो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। नीम सुलाइड टेबलेट एक नॉन स्टेरॉयड एंटी फ्लेमेट्री दवा है। संक्षेप में इसे NSAID दवा कहा जाता है। यह कुछ प्रकार के रसायनों के रिहाई को अवरुद्ध करके कार्य करता है जो शरीर में सूजन, दर्द और बुखार का कारण बनता है। दमा, यदि आप अस्थमा या अन्य श्वसन संबंधी जटिलताओं से पीड़ित हैं तो नीम सुलाइड टेबलेट उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं है। खून बह रहा है, यदि किसी भी रक्तस्राव विकार से पीड़ित हैं तो यह आपके लिए अनुशंसित नहीं है। यह आंतों, पेट और गुदा में गंभीर सूजन और खून बहा सकता है। जिगर की बीमारी, गंभीर प्रतिकूल प्रभाव बढ़ते जोखिम के कारण यकृत रोग से ग्रस्त मरीजों में अत्यधिक सावधानी के साथ इसका उपयोग किया जाना चाहिए। नीम सुलाइड टेबलेट के साइड इफेक्ट्स, निम्नलिखित संभावित साइड इफेक्ट की एक सूची है जो नीम सुलाइड टेबलेट का उपयोग करने से हो सकती है। कुछ दुष्प्रभाव की घटना होने का संभावना है, कुछ दुर्लभ लेकिन गंभीर हो सकते हैं। यदि आप निम्न में से किसी भी दुष्प्रभाव का सामना करते हैं और यदि वे दूर नहीं जाते हैं तो अपने डॉक्टर या फार्मिस्ट से परामर्श लें। पेट में दर्द, मतली और उल्टी, त्वचा के लाल चकते, फ्रोजन शोल्डर, यह एक सामान्य बीमारी है जो कंधे के जोड़ों में कठोरता और दर्द से विशेषता है। इस स्थिति में नीम सुलाइड टेबलेट का उपयोग कठोरता और इसके साथ जुड़े दर्द जैसे लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है। डिसमोनोरिया, दर्दनाक ऋतु स्राव, मासिक धर्म के दौरान दर्द को डिसमोनोरिया कहा जाता है। सबसे अच्छी राहत के लिए आपको रक्तस्राव या क्रैम्पिंग शुरू होने के तुरंत बाद नीम सुलाइड टेबलेट लेना चाहिए। पीठ दर्द, नीम सुलाइड टेबलेट का प्रयोग हल्के से गंभीर पीठ दर्द का इलाज करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। नीम सुलाइड बुखार, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटोइड गठिया, एंकिलोजिंग, स्पॉन्डिलिटिस, गोटी गठिया, सिर दर्द, दांत दर्द और किसी भी सर्जरी के बाद दर्द, मासिक धर्म, आर्थराल्जिया और मायाजिया के दौरान दर्द जैसे स्वास्थ्य परिस्थितियों में नीम सुलाइड की सिफारिश की जाती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें।